जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई कॉलेज में सीट खाली नहीं है, जीरो सीट बची है। काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रहे हैं कि सर जो एमपी आईटीआई में एडमिशन चल रहे हैं, जो हमारा सातवां राउंड चल रहा है पहले आओ पहले पाओ, जिसकी लास्ट डेट 23 सितंबर रखी गई है। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट का बस यही कमेंट पूछा जा रहा है कि कॉलेज में सीट खाली नहीं है, यानी कि जब हम वहाँ पर सीटें चेक कर रहे हैं कि हमारे ट्रेड में हमारे कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो दोस्तों वहाँ पर केवल बस जीरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि जीरो सीट बची हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, एडमिशन कैसे होगा, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। अगर दोस्तों आपका भी कॉलेज में या आपके भी ट्रेड में अगर जीरो सीट दिखा रहा है तो आगे क्या करना है। दोस्तों जब आप अपनी वैकेंट सीट चेक करते हैं अपने कॉलेज में कितनी सीट खाली है, वैसे तो मैंने इस बारे में वीडियो बना दिया कि कॉलेज की खाली सीटें कैसे चेक करना है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो को देख लेना। दोस्तों जब आप अपनी खाली सीटें देख रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह से जीरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब आपको जीरो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है वहाँ पर सीटें खाली नहीं है। देखिए हमने एक कॉलेज का ओपन किया है ग्वालियर का, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, और इस कॉलेज के अंदर अगर हम इलेक्ट्रीशियन में चेक कर रहे हैं तो टोटल इसमें 100 सीटें थी, लेकिन प्रेजेंट में जो सीटों की संख्या है वो कितनी रह गई है, जीरो, यानी कि इस ट्रेड में सीटें फुल हो चुकी हैं। किस ट्रेड में, केवल इलेक्ट्रीशियन में। अगर भाई फाउंड्री मैन में अगर हम बात करें तो इसमें भी जीरो सीटें बची हैं, कोई भी सीटें खाली नहीं हैं। अगर हम यहाँ पर मैकेनिक में बात करें तो वहाँ पर भी 20 सीटें थी, लेकिन अब यहाँ पर जीरो सीटें बची हैं। अब दोस्तों जहाँ पर जीरो सीट दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ पर आप ये समझना कि अब आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन तो हो जाएगा, उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका ट्रेड में एडमिशन नहीं होगा। देखिए इलेक्ट्रीशियन में, फाउंड्री मैन में, मैकेनिस्ट में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी सीटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन आप इसके अलावा कॉलेज में तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी ट्रेड हैं जैसे पेशेंट डिजाइन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इनमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटें हैं, यहाँ पर 20 सीटें खाली हैं। अगर हम वहीं बात करें जैसा कि कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पर 9 सीटें खाली हैं, इसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैकेनिक ट्रैक्टर NSQF में अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे तो वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 सीटें फुल हो चुकी हैं। अगर हम वही बात करें स्टेनोग्राफर में एडमिशन लोगे तो यहाँ पर हो जाए 11 सीटें खाली हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा में, तो यहाँ पर टोटल 96 सीटें थी, लेकिन प्रेजेंट में 0 सीटें हैं, यानी कि सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो दोस्तों जहाँ पर जीरो दिख रहा है ना, जीरो, इसका मतलब है अब आपका एडमिशन उस ट्रेड में नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो जाएगा, कॉलेज वहीं रहेगा लेकिन जो ट्रेड रहेगा वो चेंज हो जाएगा, यानी ट्रेड चेंज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको उसी ट्रेड में एडमिशन लेना है तो फिर आप प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए, प्राइवेट में काफ़ी सीटें होती हैं, तो प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगी। लेकिन बस एक बात है, वहाँ पर आपकी जो फीस है बहुत ज़्यादा लगती है, बस और कोई बात नहीं है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।